हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं, क्यूरेटिव पिटीशन। नाउ बिफोर आई डिस्कस दिस टॉपिक, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि brainyias.com पे आप इसी टॉपिक के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट दैट आपकी UPSC में मेंस में मार्क्स कम हो जाते हैं एंड सेलेक्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को एंड इस टॉपिक के जड़ तक जाएंगे आज हम। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन सुनेगा दो लोगों की निर्भया केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस कोर्ट में फाइनल फैसला सुना दिया था एंड चार लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद में दो लोगों ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया है बिकॉज बाकी सब तरह की पिटीशंस उनकी खत्म हो चुकी हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था। अभी दो लोगों ने इनमें से क्यूरेटिव पिटीशन डाल दिया है एंड सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को, मींस कल के दिन, अब ये पिटीशन सुनेगा और ये बताएगा कि कोई रिलीफ इनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो 14 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस न्यूज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे। अभी हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या चीज़ होती है। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब भी कभी कोई रेप केस आता है कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने रेप केस आता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रेप विक्टिम, जिसके साथ बहुत बुरा होता है, उसका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, उसका नाम किसी को भी पता ना चले। तो ये बेसिकली अशोर कैसे कराया गया है, ये हमारे पास दो सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड के, सेक्शन 356 एंड सेक्शन 376D। ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मीडिया को और आम लोगों को भी ये हिदायत देते हैं कि वो कभी भी रेप विक्टिम का नाम पब्लिक ना करे। तो हमेशा रेप विक्टिम का नाम जो है छुपाया जाता है। इसी कारण से जो 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस है, इस केस की रियल विक्टिम का नाम कभी सामने नहीं आया, हालांकि उनकी मदर ने एक बार नाम बता दिया था। लोगों को नाम तो पता चल गया है, बट यहाँ पे इस काम ने नाम क्या दिया, वो निर्भया गैंगरेप केस है ये वाला। नो, निर्भया गैंगरेप केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नो, इस केस में चार लोगों को मौत की सज़ा सुना दी गई है। अभी हम समझेंगे कि कोर्ट किस तरह से जस्टिस देता है लोगों को, क्या थ्योरी है, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है। ना, पहले तो ज्यूरिसप्रूडेंस का ही मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ज्यूरिसप्रूडेंस का प्राइमरली तो मतलब ये है, बेसिकली मतलब ये है कि जस्टिस दिया कैसे जाए। तो ज्यूरिसप्रूडेंस थ्योरी है लॉ की। तो ज्यूरिसप्रूडेंस ये कहता है कि जस्टिस देने के दो तरीके हैं, एक तो रेट्रीब्यूशन है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, एंड दूसरे तरह का जस्टिस है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नो, व्हाट इज द रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप भी उसके साथ बुरा कर दीजिए। आपने किसी को मारा है, आप भी उसके साथ बुरा कर दीजिए। एंड एक और जस्टिस का जो थ्योरी है, दैट इज रिफॉर्मेटिव जस्टिस। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा गया, रियलिटी में इट इज रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का ये मतलब है, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, उसको सजा दे दीजिए। सजा के दौरान, क्योंकि उसको सजा मिल चुकी है, चांसेस हैं कि वो सुधर जाएगा। सुधरने के बाद वो सोसाइटी को दोबारा से ज्वाइन कर लेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई चोरी करता है, उसको सारी उम्र जेल में रखा जाता है या उसको मार दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उसको चांस दिया जाता है। तो जस्टिस की दो थ्योरीज हैं, रिफॉर्मेटिव है और एक रेट्रीब्यूटिव है। रेट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, वो ये मानता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि उसी को अधिकार नहीं है अब कि वो नॉर्मल जो सोसाइटी को अब ज्वाइन कर सके। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जस्टिस देते हैं, किसी को भी सजा सुनाते हैं, उनको ये अधिकार कहाँ से मिलता है। उनको ये बेसिकली अधिकार मिलता है आर्टिकल 145 से। नो, ये जो आर्टिकल 145 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपने किसी को जस्टिस दिया है, कोई वर्डिक्ट सुनाया है, उस वर्डिक्ट सुनाने के बाद में भी अगर आपको लगता है
कि दोबारा से केस सुनने की जरूरत है तो उस तरह का भी सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कर सकती है। तो आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को बेसिकली पावर देता है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जिस तरह से मर्जी रेगुलेट करे, जिस तरह के मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बना सकती है। एंड रूल ये भी बनाया गया है कि अगर ऑलरेडी केस डिसाइड किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। तो आर्टिकल 145 के साथ ही जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 137। ये सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है? ये पावर बेसिकली तो फ्लो कहां से होती है? ये होती है आर्टिकल 145 से, क्योंकि 145 में मैंने आपको क्या बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स जिस तरह से मर्जी चला सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने कोई फैसला सुना दिया है और उसको में बदलाव की जरूरत है तो वो रिव्यू भी कर सकती है अपना डिसीजन। इसीलिए लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सके सुप्रीम कोर्ट में। एंड रिव्यू पिटीशन को लेके जो प्रावधान है दे आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ रिव्यू पिटीशन तो अभी दाखिल कर चुके थे निर्भया के जितने भी रेपिस्ट थे, उनका रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दे दी है 4 लोगों को। बट अभी जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, जैसे जैसे इन लोगों को लग रहा है इनको सजाए मौत हो जाएगी, तो अब इन्होंने एक नए तरह की पिटीशन दाखिल कर दी है, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। जो क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट है हिंदुस्तान में शुरुआत से नहीं है, ये कंसेप्ट भी बेसिकली इवॉल्व हुआ है आर्टिकल 145 से। तो रिव्यू पिटीशन भी आर्टिकल 145 की वजह से है हमारे पास, क्यूरेटिव पिटीशन भी हमारे पास आर्टिकल 145 की वजह से है। 2002 में क्यूरेटिव पिटीशन का हिंदुस्तान के ज्यूरिसप्रूडेंस में बेसिकली जन्म हो गया। किस केस में पैदा हुआ ये वाला? रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अदर्स। तो ये वाला केस था, रूपा अशोक हुरा का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि रिव्यू पिटीशन के बाद में भी चांसेस हैं कोई एरर ऑफ जजमेंट हो गया है कोर्ट से एंड कोर्ट के सामने उसको दोबारा से वो पेश करना चाहते हैं, तो क्यूरेटिव पिटीशन में कोर्ट डिसाइड ये कर देगा कि क्या एरर ऑफ जजमेंट था या एरर ऑफ जजमेंट नहीं था। एंड क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये भी है कि जो सजा कोर्ट ने सुनाई है क्या उसमें कोई चेंज आ सकेगा कि कोई चेंज नहीं आ सकेगा। मतलब क्या है? अगर उनको क्योर करना, क्यूरेटिव, कुछ गलती हो गया है उस गलती को सुधार लेना, तो कुछ दिनों के बाद ये पिटीशन दाखिल किया जाता है। प्रावधान ये है, अभी इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन डाला हुआ है एंड क्यूरेटिव पिटीशन में ये चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो रिव्यू पिटीशन थी ये क्यों खारिज हो गई थी, कौन कौन से ग्राउंड्स थे स्पेसिफिकली जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपका रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया था, एंड इस चीज को सर्टिफाई कौन करता है? दिस थिंग इज सर्टिफाइड बाय अ सीनियर एडवोकेट। कहने का क्या मतलब है? सीनियर एडवोकेट ये बताएगा कि आपका रिव्यू पिटीशन क्यों खारिज हो गया था इस कारण से, बट फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से कोर्ट को दोबारा से मतलब उसके ऊपर डिसीजन ले लेना चाहिए। तो यही एक कारण है क्यों इसको क्यूरेटिव कहा गया है। क्यूरेटिव पिटीशन का यह मतलब है कुछ गलती हो गया उसको ठीक करने के लिए। तो सीनियर एडवोकेट ये बताएगा कि किस वजह से रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई थी। नाउ ये जो प्रोसीडिंग है क्यूरेटिव पिटीशन है ये बेसिकली इन हाउस चलती है, बाकी जितनी भी पिटीशंस हैं नॉर्मल डे टू डे प्रोसीडिंग्स है जो कोर्ट का या रिव्यू पिटीशन है, कोर्ट में पब्लिक को अलाउ किया जाता है कि वो भी सामने बैठ जाएं जुडिशरी के एंड पब्लिक के सामने पूरा जस्टिस दिया जाता है। बट ये क्यूरेटिव पिटीशन में ऐसा नहीं है, क्यूरेटिव पिटीशन में इन हाउस प्रोसीडिंग्स होती हैं, पब्लिक एंड मीडिया इज नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। अभी निर्भया केस में भी क्यूरेटिव पिटीशन अभी चला जाएगा। अभी क्या बेसिस है? मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि एरर ऑफ जजमेंट क्या हुई है एंड वो सीनियर एडवोकेट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। इस केस में क्या चीज बोल के
मतलब जो वकील हैं, इनके सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं AK सिंह, उन्होंने ऐसी क्या चीज बताई है? उन्होंने ये बताया है कि इनको मौत की सजा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सोसाइटी में ये एक एग्जाम्पल सेटअप होगा कि इस तरह के गुनाह लोग ना करें। बट अभी इनके जज एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी लेके आए हैं, एक रिसर्च लेके आए हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये रिसर्च की है कि किसी को मौत की सजा देने, अगर दे भी दें तो वो भी चीज एक डेटरेंट एक्ट नहीं करती है, वो भी चीज और लोगों को नहीं रोकती है कि वो ऐसा क्राइम फ्यूचर में कमिट ना करें। कहने का क्या मतलब है कि डेथ सेंटेंस जो है उसका डेटरेंट इफेक्ट नहीं है, तो आप इनको मौत की सजा क्यों सुना रहे हो? ये हैं इनके वकील, दो लोगों, चारों लोगों के वकील यही थे, AK सिंह यही केस लड़ रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे ये जिन लोगों ने निर्भया का बेसिकली केस लड़ा है। तो क्यूरेटिव पटिशन के ग्राउंड्स दोबारा से मैंने यहां पे बता दिए हैं, सीनियर लॉयर बताएगा क्यों ये दोबारा से सुननी चाहिए, एंड वही जजेस दोबारा से क्यूरेटिव पटिशन सुनते हैं जिन्होंने पहले सजा दी हो। ठीक है, 90% केसेस में वही सुनेंगे अगर वो अवेलेबल है। अगर बीच में कोई जज रिटायर हो जाता है या कोई जज छुट्टी पे है, उस केस में अलग जजेस भी ये सुन सकते हैं। अगर आपकी पिटिशन में बेस नहीं है तो आप वकील को भी फाइन हो जाएगा, एंड जिसको सजा पहले सुनाई गई है उसके ऊपर भी फाइन इंपोज किया जाएगा। जनरली बाकी केसेस में अगर देखा जाता है कि एक नॉर्मल पिटिशन रहता है, फिर रिव्यू पिटिशन रहता है, फिर क्यूरेटिव पिटिशन रहता है, उसके बाद में रहता है मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन बेसिकली पेश की जाती है प्रेसिडेंट के सामने। देखो, प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन में यह कहा जाता है, हाँ मैं गुनहगार तो हूं और मुझे सजा भी हो गई है, बट मेरे हालात देखते हुए मेरी सजा के ऊपर थोड़ा सा तरस खाया जाए, थोड़ा सा मर्सी किया जाए और मेरी सजा को कम कर दिया जाए। बट क्या रेप केसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या रेप केसेस में मर्सी पिटीशन दाखिल हो सकती है? उसका आंसर है नो। देखो, मर्सी पिटीशन कहां से आती है? आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास रहती है मर्सी पिटीशन। ठीक है, बट अगर रेप का केस देखा जाए, ठीक है, रेप के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि इट इज डिफाइंड अंडर द लॉ। रेप केस में आप मर्सी पिटिशन दाखिल नहीं कर सकते। तो 14 जनवरी एक आखिरी उम्मीद है इन दो लोगों के लिए जिन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल कर दिया है। तो मर्सी पिटिशन रेप के केस में दाखिल नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका अंत हो जाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को क्या करता है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द केस। इन केस क्लास, इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि क्वालिटी का एनालिसिस हो रहा है एंड आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको कभी भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8459400050 है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।